अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जी, बस मैंने काफ़ी दिनों के बाद अपना व्लॉग अपलोड किया, मुहर्रम था तो इस वजह से मैं व्लॉग अपना नहीं अपलोड कर पाई। तो जी बस मैंने यहाँ पर है कुछ सामान मंगवाया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने घर में अलम पाक निशान कर रहे हैं। तो जी बस मैं वो सामान आपको दिखाना चाहती थी। तो जी बस यहाँ ये तो बाइक के लिए लिया हुआ था, और ये बैरक है ना, वो मेरा देवर गया हुआ था करबला, तो मैंने बस वहीं से वो बैरक मंगवा ली थी। और इस नादेली के बाबा को ये काफ़ी अच्छी लगी थी शर्ट, और तो वो शर्ट भी लेके आए थे। ये जो अलम पाक का सामान था ना, तो वो मैंने बस यहाँ से शाह खुरासा से मंगवाया था, वहाँ पर काफ़ी अच्छा सामान मिलता है, लाइट वगैरह, तो मैंने बस सब सामान वहीं से ही मंगवाया। कुंड में एक पत्थर रखे नंडो उनते अरबी इबारत लिखल है। मान को पूछो से जिंदान हम पत्थर छाजो रखे हुआ सईद पगला। सो जी बस मैंने आपको सामान वगैरह दिखाया, उसके बाद ही नादेली भी सो गया था। मैंने बस सुकून से मजलिस सुन ली, उसके बाद जी बस यहाँ पर जी नादेली भी उठ गया था। सो जी बस मैं आ गई थी बाहर, आज मौसम भी काफ़ी अच्छा था, हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही थी, तो अलम पाक की यहाँ पर कलर वगैरह कर रहे थे माशाल्लाह। तो मैंने सोचा कि थोड़ा वीडियो शूट कर लूँ ताकि आप भी देखें, और लाइट वगैरह बेरक वगैरह तो आज ही सेट करके हमें अलम निशान करना था। तो बस माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। यहाँ पर जी बस हमारा न्याज भी आ चुका था माशाल्लाह से। ये जो मैं ज़्यादातर अपने ब्लॉग में आपको दिखाती हूँ ना, जो मुझे बिरयानी काफ़ी अच्छी लगती है, तो बस हमने न्याज में वही मंगवाई थी। तो यहाँ पर बस पैकेट हम तैयार करने वाले थे ताकि हम लोगों में बांटते हैं न्याज मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वैसे तो काफ़ी ये बिरयानी अच्छी है, लेकिन जब हमने न्याज की नियत करके बनवाई तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा बरकत हो गई थी न्याज में। यहाँ पर जी बस हमने अम्मा को बिठा दिया था डेक पे, तो अम्मा सबके लिए न्याज निकाल रही थी, तो बस हमने पैकेट भी साथ ही साथ बना लिए। उसके बाद अम्मा ने बोला कि आप भी खा लें न्याज, तो बस हमने भी अपने लिए निकाल दिए। सब ने न्याज खा लिया था, तो उसके बाद कुछ दोस्तों में भाई वालों को न्याज देना था, तो वो बस भाई निकालने लगे थे न्याज। माशाल्लाह माशाल्लाह, नादेली भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैंने नादेली को पहली मुहर्रम से ही ब्लैक कपड़े पहना दिए थे। बस जी यहाँ पर हमारे न्याज पैक हो चुके थे, तो बस भाई वाले लोगों में बांटने जा रहे थे। सो जी बस यहाँ पर मगरिब का टाइम भी हो गया था, तो अलम पाक अभी तक निशान नहीं हुआ था क्योंकि कुछ काम था ना, तो बस कलर वगैरह हो गया था, और अभी बस लाइट वगैरह जो साइड में लगानी थी तो वो अभी तक रह रही थी। वो भाई गए हुए थे लेने, तो इस वजह से, तो बस वो लेके आएंगे तो इंशाल्लाह 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 आज हमारा अलम निशान हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर नादेली ऊपर बैठा हुआ था बेड की सेटी पे, मुझे काफ़ी डर भी लग रहा था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा शरारत कर रहा था। अच्छा जी, मैं रात को अपना व्लॉग शूट नहीं कर पाई, काफ़ी देर भी हो गई थी अलम निशान होने में, तो माशाल्लाह 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 काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो हमारा अलम पाक निशान हो गया था, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह। रात को काफ़ी देर हो गई थी ना, तो बस न्याज वगैरह बांटने में भी, तो मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाई। बस सुबह को हमारा अलम पाक भी लग गया था, तो सब यहाँ पर आ गए थे, तो तो जी बस बच्चे भी यहाँ पर बैठ गए थे, तो काफ़ी रौनक भी हो गई थी बाहर, और वैसे सहन में इतना अच्छा लग रहा था माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसे करबला में खज्जी वगैरह होती है ना, तो अलम पाक लगे हुए थे, तो वैसे ही काफ़ी अच्छे लग रहे थे। नादेली माशाल्लाह से काफ़ी खुश हो रहा था अलम पाक को देख के, दोनों बच्चे काफ़ी खुश हो रहे थे। कल को हमने बस बिरयानी मंगवाई थी बाहर से न्याज में, तो आज सोचा कि हम बस खुद ही बना लेते हैं, तो मेरा ख्याल था कि हलीम बना लेते हैं, तो बस मैं यहाँ पर पहले ब्राउन कर लिए थे प्याज, तो मैंने सोचा वो करके रख लेती हूँ क्योंकि हलीम में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो चिकन भी बॉईल हो गया था, मैंने चिकन को मैश कर लिया था, और जो मैंने प्याज ब्राउन किए हुए थे, तो मैंने कुछ हलीम में खाने के लिए प्याज रख लिए थे ब्राउन वाले, और कुछ को मैंने हलीम में ऐड कर लिए।
तो बस बच्चों को भी भूख लगी थी, तो मैंने बच्चों के लिए जल्दी से फ्राइज़ बना लिए। और काफ़ी दिनों से नादेली केचप काफ़ी शौक से खा रहा है, जब मैं फ्राइज़ बनाती हूँ तो वो केचप से ही डिप करके खाता है। तो बस वली अब्बास भी खा रहा था। मैंने वैसे जो देग वाला बनता है ना हलीम, वो नहीं, मैंने इजी कुक वाला बनाया था, तो बस मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही थी ताकि बबल्स ना आए उसमें। यहाँ पर बस मगरिब हो गई थी तो मैंने अलम पाक की लाइट लगा ली थी, तो माशाल्लाह माशाल्लाह लाइट में तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो अच्छा जी, बस यहाँ पर हमने नियाज वगैरह देखे और हमें बास वगैरह उठाई थी ना, तो इमाम बारगाह में वो देनी थी। तो आज था 10 मुहर्रम की रात, तो बस हमने सोचा कि इमाम बारगाह चले जाते हैं। जी बस हम इमाम बारगाह से वापसी आ गए थे, काफ़ी रश था, मैंने थोड़े थोड़े क्लिप शूट कर लिए ताकि आप भी देख लें। इमाम बारगाह में काफ़ी रश था, तो बस हम थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे। सो जी बस हम आ गए थे घर, तो काफ़ी देर भी हो गई थी। मैं करती हूँ अपना व्लॉग यहीं पे एंड। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी कोई भी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।